अस्सलाम वालेकुम धरती टीवी न्यूज़ सागर मां फौज़ एजाज अई आऊ या दुआ बुटो नास्टीन हेडलाइंस अमर चू हते एम खबर है आग कनासी अमा के फातिमा फरो कत्ल केस मुख जवाबदार असर शाह इम्तियाज मीरासी वधिक एक डी जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। फातिमा कत्ल केस में एटीसी जा कलम शामिल कया व्या हन। केस दहशतगर्दी टोड़ अदालत डां उमाणियो वने पुलिस जी या अदालत केस ते दा खबर अमा के दियो पिया। फातिमा खरो कत्ल केस बाबत मुख्य जवाबदार असद शाह इम्तियाज मीरासी वधिक एक डी जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। फातिमा कत्ल केस में एटीसी जा कलम शामिल कया व्या हन। केस दहशतगर्दी टोड़ अदालत डां उमाणियो वने पुलिस जी अदालत केस ते दा इन जा वधिक अपडेट मालूम कदासी। रानीपुर का गुल हसन चांडो लाइन ते मौजूद है। गुल हसन आगा कजो। दिसो ही फातिमा फड़ो कत्ल केस जो मुख्य जवाबदार है पीर असद शाह इम्तियाज मीरासी के जो गुजरल एक डी जो रिमांड मिलो उन अदालत में पेश किया है। केस के आयो एस बचल का अदालत के दरख्वास्त कई है फातिमा कत्ल केस केस बाबत तमाम घनी वायोलेशन की है जैसे तहत एटीसी सेक्शन लगाया वह हि केस एटीसी कोर्ट डां मोको वे जैसे फरियादी शबनम फड़ो जो वकील लीगल एड कमेटी निसार बंबरो उन केस बाबत दलील दिना तो इन केस की तमाम घनी वायोलेशन थी है। पोस्टमार्टम दौरान इन मासूम निगरी से तशद जना जड़ा जो सो निशाना मिलिया हाई प्रोफाइल केस थी चुका है। उन ही केस एटीसी कोर्ट डां मुंतकिल वे जैसे जवाबदार घुर्जे वकील की गैर मौजूदगी कुछ वक्त वक्फो करो जैखा बीहर अदालत असद शाह जो वकील अली मुर्तजा शाह अदालत पहुंचने का दलील दी चयो है तो मुझे मोकिल के रिमांड पूरा ठीक है। गुल हसन वडी मेहरबानी वहां अपडेट कयो। फातिमा फरो कत्ल केस मुख्य जवाबदार असद शाह इम्तियाज मीरासी वधिक एक डी जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। असद शाह जो जिस्मानी रिमांड पूरा थियण ते खेस जेलो माणियो वने वकील मुर्तजा शाह जो ये चवण है। रानीपुर अदालत सगोरी बिन्हीं धुरन के वकीलन जा दलील बुधण का पोए फैसलो महफूज करे वरतो। पोस्टमार्टम दौरान निगरे ते तशद्दुद ऐं ज़ना जहिड़ा निशान मिलिया आहिनि। केस हाई प्रोफाइल थी चुको आहे।